नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बहुत सी वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। आप चाहे जिस भी स्टेट से हैं, आपके स्टेट के लिए कम से कम 300 वैकेंसी रिजर्व है हर स्टेट के लिए। भारत में जितने भी स्टेट हैं, 29 स्टेट और 7 जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनके लिए भी इसमें वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश और भारत के जो 29 राज्य हैं उनके लिए ये इसमें रिजर्व वैकेंसी है। तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि यार हमारे स्टेट में ये वैकेंसी नहीं निकली है। तो हर स्टेट की जानकारी हम आपको ए टू चैट देंगे, कौन सी वैकेंसी किस प्रकार से भरी जाएंगी। तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें भरी जाएंगी, असिस्टेंट मैनेजर की, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे देंगे। परंतु सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो वो जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले हम सीरी नंबर 1 से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय के या सिटीजनशिप की बात करें तो आप भारत के हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल के हैं, भूटान के या तिब्बतन रिफ्यूजी जो 1962 से पहले भारत आ गए हैं वो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। मेन जो होता है इसमें कि एज, हर कोई जानना चाहता है कि एज, क्योंकि ओवरेज हो रहे हो आप, और कौन कोई कुछ लोग बहुत कम है एज के अभी, तो वो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए? जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट, इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 से 40 साल के बीच, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ में बताएं तो आप नोट कर लीजिएगा, 3/6/1979 से लेकर आपकी 31 मई 1998 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3/6/1979 से लेकर आपकी 31 मई 1998 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप सीनियर मैनेजर की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो लास्ट तक देखिएगा जो भी जानकारी, उसके बाद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन को दोबारा से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। मैनेजर की पोस्टें भरी जाएंगी, आपकी स्क्रीन पर आ रही ये पोस्ट भरी जाएंगी। और जो आपकी आयु की गणना होगी, जैसे अभी आप हो 25 साल के, तो 25 साल वो कब से गिने जाएंगे? तो 1 जून 2019 से आपकी काउंटिंग होगी, एज काउंट होगी एज इसमें, ठीक है, ये आप नोट रखिएगा। अब जो मैनेजर की वैकेंसी, इसके लिए उम्र होनी चाहिए आपकी 21 से 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में बताएं तो आपकी 3/6/1987 से लेकर 31/5/1998 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके लिए, ठीक है, ये जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो फिर आप इसके लिए मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। परंतु आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, तो रिलैक्सेशन का भी आपको 10 से 15 साल की छूट भी होगी और 5 साल की छूट भी इसमें मिलेगी आपको। तो 3/6/1999 से लेकर 31/5/2001 असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज जो ये पोस्ट भरी जाएंगी इसमें, इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 28 साल, 2/6/1991 से लेकर 1/6/2001 के बीच जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन होता है कि रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलेगी, तो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बार हम आपको बता चुके, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। परंतु फिर भी बहुत से लोग नए होंगे जो पहली बार देखेंगे, उनको हम बता देते हैं कि किस प्रकार से ये पोस्टें भरी जाती है। स्टेट वाइज रही है तो आपको जानकारी मिल गई होगी। अब मान लो कि आप हो किसी पोस्ट के लिए, मान लो कि आपसे जो एज है वो आपकी मांगी हुई है 18 से 30, अगर आप 32 के हैं तो फिर आपको बेनिफिट किस प्रकार से मिल सकता है? एक तो इसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब एससी और एसटी के जो, इनको 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, मीन्स कि वो 35 साल तक अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट होगी, तो वो ओबीसी से जो भी है वो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपनी एज के साथ 3 साल और जोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी एज फिर हो जाती है पूरी, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड, ठीक है, इसके लिए 10 साल की छूट है जनरल के लिए और 13 साल की छूट होगी इसमें, हालांकि बताया नहीं है परंतु हम आपको बता रहे हैं, 13 साल की छूट होगी ओबीसी के जो फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन है उनके लिए, और 15 साल के एससी एसटी के जो कैंडिडेट है जो फिजिकल हैंडीकैप है वो इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी इसमें, तो आपको टेंशन लेने की। एक्स सर्विस मैन और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विस मैन है उनको किस प्रकार से इसमें छूट मिलेगी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ये आप नोट रखिएगा इसमें। अब किस प्रकार से और रिलैक्सेशन मिली हुई आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा,
पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जो भी आपको जाना है इस नोटिफिकेशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको डाउनलोड करनी होगी तो आप कमेंट करना, हम आपको लिंक दे देंगे। और ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। इस प्रकार आपको ये जानकारी दी हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन IBPS की आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब हम आपको ले चलते हैं कि EBS जो है इकोनॉमिकल बेकर सेक्शन, पहली बार इसके तहत भर्ती होगी आपकी। तो आर्थिक आधार पर जो आपको स्वर्ण आरक्षण दिया हुआ है वो किस प्रकार से मिलेगा आपको, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसको आप नोट करिएगा किस प्रकार से आपको आरक्षण मिलेगा। तो इसके लिए आपको सेंटर का सर्टिफिकेट जो बनता है आपका स्वर्ण आरक्षण का, EWS का, वो आपको बनवाना पड़ेगा। अब जो मेन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कह जाए तो उस पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, ये पोस्ट भरे जाएंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। एनी डिसिप्लिन मीन्स कि आप चाहे BO, BCom, BSc, BBA या BCA है, जो भी आपने किया है फिर आप एलिजिबल होगे इसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ होना चाहिए इसमें स्पेशल कुछ, ठीक है। और इसमें लोकल लैंग्वेज के आपके जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज पर भी हम आपको जानकारी देंगे लास्ट में। और डिस्क्राइबल में बताया हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपके पास होना चाहिए। वर्किंग काम करने का ज्ञान आपके कंप्यूटर का होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। अब जो असिस्टेंट मैनेजर की है इसमें क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री इसके लिए आपके पास होना चाहिए। एनी डिसिप्लिन मीन्स कि वही BA, BCom, BSc, BBA, BCA। और इसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो प्रमुखता जो है उनको दी जाएगी जिनके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री में वैकेंसी जो क्वालिफिकेशन होगी या डिग्री होगी, ठीक है। तो इन लोगों को प्रमुखता दी जाएगी इसमें। उसके बाद वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो ये वैकेंसी भरी जाएंगी मैनेजर की, इसके लिए क्वालिफिकेशन कहिए बैचलर डिग्री एनी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, ये आपके पास होना चाहिए। बाकी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इनको आप नोट कर सकते हैं। 2 ईयर का आपके पास एज एन ऑफिसर बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूट में आपने काम किया होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो मैनेजर की पोस्ट है इसमें ये बताया हुआ है। अब जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है या मैनेजर है इसके लिए जो पे ऑफिस स्केल सेकंड की है, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और बैचलर डिग्री, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएगी। उसके बाद सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो IBPS की वेबसाइट है, उस पर आप जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगे। अब जो सैलरी होती है हर किसी की नज़र सैलरी पर होती है, किस प्रकार से वो होगी वो हम आपको बताएंगे, परंतु पहले एप्लीकेशन फीस जो आप देख लीजिएगा 18/6/2019 से आज है 15 जून, तो 18 जून से लेकर आप 4 जुलाई 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है जैसे SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनके लिए 100 रुपये फीस है, बाकी जो अदर है उनके लिए 600 रुपये फीस होगी, ठीक है। ये सीरियल नंबर स्केल जो 1, 2 और 3 जो इसके लिए, और उसके बाद जो ये ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट इसके लिए भी सेम है, तो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। इस प्रकार से आपकी फीस होगी, ठीक है। अब जो मेन है कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा वो हम आपको बता देते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट भरी जाएंगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, तो वो आपकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 80 क्वेश्चन आएंगे 18 मार्क्स के, और टाइम जो उसके लिए होगा 45 मिनट, ठीक है। उसके बाद ऑफिस स्केल 1 की जो पोस्ट है इसके लिए क्या होगा, तो सेम इसमें भी ये रहेगा आपका प्रीलिम, ठीक है। और उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें क्या आएगा वो हम आपको बता देते हैं। तो मेंस में इस प्रकार से होगा, रीजनिंग आएगी आपको, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 200। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम होगा। और उसके बाद पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। स्केल 1 के लिए क्या चाहिए, तो सेम सब के लिए आएगा मेंस में ये,
200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के हो गए, और सेम रहेगा रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपकी आएगी जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी, और जो स्पेशल कैडर के ऑफिसर होंगे उनके लिए क्या होगा, तो सेम सबके लिए ये क्वालिफिकेशन होगी, पहले प्रीलिम होगा, उसके बाद मेंस होगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पोस्टें भरी जाएगी, और एग्जामिनेशन सेंटर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन द वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर इन इंडिया, ठीक है। ये आपको बताया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इसका वो ऑनलाइन होगा, और बहुत से आपके सेंटर होंगे उसमें आपका नंबर लगेगा कहाँ पर होगा वो हम आपको बता देते हैं। और प्री एग्जामिनेशन सेंटर और जो ट्रेनिंग है वो कहाँ है तो पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं। नोटिफिकेशन क्योंकि बहुत लंबी है और पूरी जानकारी अगर हम आपको देने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, परंतु जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से पोस्टें भरी जाएगी, जो मेन है वो सेंटर हम आपको बता देते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन आप इसके लिए करोगे 18/6/2019 से लेकर आप 4/7/2019 तक। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे प्रीलिम के लिए, तो प्रीलिम के सेंटर कहाँ होंगे वो हम आपको आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कहाँ होंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश के आ रहे हैं, अरुणाचल, असम, बिहार के कहाँ होंगे, तो इस प्रकार से ये सेंटर आपको आएंगे प्रीलिम के लिए, ठीक है। हर स्टेट में आपको सेंटर मिलेंगे प्रीलिम के, और हिमाचल के कहाँ होंगे तो हिमाचल क्या होगा आपका बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, ऊना, ये आपके प्रीलिम के हिमाचल के सेंटर। जम्मू के कहाँ होंगे तो जम्मू, सांबा, श्रीनगर, इस प्रकार से सेंटर हो गए। झारखंड के आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, कर्नाटक है, केरला है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, तो इस प्रकार से आपको ये प्रीलिम के सेंटर आएगी आपकी स्क्रीन पर है। और यही एडवाइस देंगे हम आपको और यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, अगर आपको जॉब चाहिए तो ज़रूर अप्लाई करें ताकि हो सकता है आपको ये जॉब मिल जाए। केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, तो हर स्टेट में आपको सेंटर आएंगे, तो राजस्थान के भी आपको इसमें बताया हुआ है। और ये इस प्रकार से तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, गवर्नमेंट जॉब्स, उत्तर प्रदेश, ये गवर्नमेंट जॉब्स के और प्रीलिम के जो सेंटर होंगे इस प्रकार से आपको आएंगे, ठीक है। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, जो ये सेंटर हो गए आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो प्रीलिम के सेंटर है वो इस प्रकार से रहेंगे, मेंस के जो सेंटर होंगे वो आपकी जो साइट पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। मेंस के जो सेंटर है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आएंगे, प्रीलिम के ये सेंटर हो गए और स्टेट के नाम आपको दिए हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर ला रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको देखिएगा। मेंस के ये सेंटर है, मेंस, प्रीलिम, इस प्रकार से आपको सेंटर आएगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रीलिम के ये मेंस के सेंटर होंगे और ये प्रीलिम के, तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इनको आप नोट करिएगा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इसके लिए आप कमेंट करिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। और अगर आप जानकारी से संतुष्ट है वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका सवाल है वो आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।